हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह फ्रॉम उड़ीसा संबलपुर से। और देखिए, आज मैं ये मशीन में आया हूँ। ये मशीन आगे और पीछे नहीं हो रहा है, इसका आगे पीछे का प्रॉब्लम हो रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। तो इसमें देखिए, आज अपने क्या चेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपको मैं दिखाता हूँ इसको चेक करते कैसे करते हैं और ये प्रॉब्लम को फाइंड कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम है बोल के। ठीक, देखिए, ये रिवर्स फॉरवर्ड प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑयल का लेवल को चेक करते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो है ना, ये ट्रांसमिशन गेज है, यहाँ से अपने ट्रांसमिशन ऑयल को चेक करते हैं। ठीक, देखते हैं इसमें ऑयल है या नहीं है। और देखिए, गेज में तो ऑयल दिखा रहा है, फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मतलब आगे पीछे नहीं हो रहा है, मशीन रिवर्स फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो ऑयल को चेक करना है, उसके बाद सोलेनोइड में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है उसको चेक करना है। तो सोलेनोइड में कैसे चेक करते हैं करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप हमारे देखिए, वो ट्रांसमिशन का सोलेनोइड बल्ब जो है ना, यहाँ फिटिंग होता है, ये देखिए यहाँ पे एक सोलेनोइड है, इसको सोलेनोइड कॉइल बोलते हैं। ठीक, ये इधर का सोलेनोइड जो है फॉरवर्ड में काम आता है, और एक सोलेनोइड ये साइड में लगा है, देखिए वो दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, एक सोलेनोइड उसके बगल में ये, ठीक, जो ये रिवर्स में काम आता है, और ये सोलेनोइड फॉरवर्ड में काम आता है। तो इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको अभी चेक करेंगे। तो वो देखते रहिए, आपको बताता हूँ इसको करंट को कैसे चेक करते हैं। ये करंट को चेक करने के लिए सबसे पहले तो सोलेनोइड कॉइल को यहाँ से खोल के बाहर निकालेंगे, ये इसका वो लॉक नट है, ये नट को खोलने से सोलेनोइड कॉइल जो है बाहर निकल जाएगा। तो आपको बताता हूँ कैसे ये चेक करते हैं इसको। ये सोलेनोइड कॉइल को खोलने के लिए ये जो है ना, ये नट है, इसको यहाँ से ऐसे घुमा देने से खुल जाएगा, ये देखिए खुल गया। ठीक, और कॉइल को अभी बाहर करेंगे। कॉइल को बाहर करने के बाद ये देखिए कॉइल बाहर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखते करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको कैसे आप पता करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर में कोई भी एक लोहा का पीस ऐसे डाल देंगे, उसके बाद जो है करंट सप्लाई देंगे, और यहाँ देखेंगे मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, और विदाउट अंदर में ये बिना किसी लोड का आप इसको चेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो कॉइल ख़राब हो जाएगा। तो जब भी कॉइल को चेक करते हैं तो इसके अंदर में किसी न किसी तरह का एक लोहा दे देते हैं जो कि उसका लोड को संभाले। ठीक भाई, थोड़ा उसको ऊपर से फॉरवर्ड कीजिए, चेक करता हूँ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉइल में मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऊपर से स्विच को ऑन कर लेंगे, जो इग्निशन स्विच है ना, वहाँ से चाबी ऑन कर लेंगे। भाई ऊपर चाबी थोड़ा ऑन कर दीजिए, और उसके बाद जो है लीवर को फॉरवर्ड में कीजिए। हाँ, फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये फॉरवर्ड करने के बाद अभी यहाँ ये करंट बन रहा है, ये देखिए इसमें मैग्नेट बन गया है। न्यूट्रल कीजिए थोड़ा, ये देखिए न्यूट्रल करने से आगे पीछे हो गया, मतलब अभी ये ठीक वर्क कर रहा है। एक बार फिर से फॉरवर्ड कीजिए, ये देखिए फॉरवर्ड करने के बाद इसमें वो मैग्नेट बन गया, इसका मतलब कि कॉइल अपना ठीक है। ठीक, कॉइल ठीक है और ये काम करना चाहिए। तो और इसमें बल्ब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आप वीडियो पे बने रहे हमारे साथ, और हमारा नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बल्ब को चेक करने के लिए जो है ना, फिर से सोलेनोइड कॉइल को वहाँ पे ऐसे फिटिंग कर देंगे जिस जगह पे लगा था, ये देखिए, और उसके बाद जो है करंट सप्लाई देंगे, और यहाँ से एक टिक टिक करके आवाज़ होना चाहिए, खट खट। ठीक, तो वो देख लेते वो आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई ऑपरेटर भाई, थोड़ा वो फॉरवर्ड कीजिएगा। हाँ, देखिए अभी वो स्विच को फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन वो यहाँ पे किस तरह कोई आवाज नहीं आ रहा है। फिर न्यूट्रल कीजिए, फिर फॉरवर्ड कीजिए। देखिए फॉरवर्ड और न्यूट्रल करने पे भी यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये अपना बल्ब जो जाम है, तो बल्ब को कैसे जाम को ठीक करते हैं उसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ बल्ब कैसे खोलते हैं। देखिए सोलेनोइड बल्ब को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो निकला हुआ है जिसके अंदर वो मैग्नेट बनता है, यहाँ पे वो कट मार्का है, यहाँ पे 16-17 का पाना को लगाएंगे डी स्पिनर, और उसके बाद इस बल्ब को खोल के बाहर निकालते। देखिए इसको 16-17 का डी स्पिनर से खोल लेते, बहुत आराम से खुलेगा, ये देखिए ऐसे।
ये ढीला हो गया और ये अभी आराम से खुल जाएगा। देखिए इसको काफ़ी सावधानी से खोलना होता है, अंदर में और स्प्रिंग बॉल वाशर वगैरह सब रहता है, ठीक, वो कहीं गिर ना जाए तो उसको आपको ध्यान देना है। देखिए इसके अंदर में ये निकला बॉल और एक स्प्रिंग है, ये देखो, ये देखिए स्प्रिंग है और ये पिन जैसा एक बॉल है, ठीक, लंबा, यही दो इसके अंदर में होता है। और ये देखिए ये जाम हो रखा है, ये अंदर में ऐसे ना ऐसे करने से खेलता है जो कि खेल नहीं रहा है, ठीक, इसके अंदर साउंड क्रिएट होगा खट 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 करके जो कि ये नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये जाम हो रखा है, इसको पेट्रोल या डीजल से आप इसको सफ़ा कर लेंगे, पेट्रोल डीजल किरासिन जो भी है उससे आप सफ़ा कर लेंगे। इसको ऐसे ऐसे करने से खेलता है, साउंड आता है इसके अंदर से जो कि वो साउंड नहीं हो रहा है, ठीक, तो आप इसको सफ़ा कर लेंगे फिर ये काम करना चालू करेगा। देखिए दोस्तों ये साइड पे, तो अपने साइड पे क्या होता है कि मिलता नहीं है किरोसिन वगैरह, तो अपने गाड़ी से ही पेट्रोल को थोड़ा निकाल लिए और इससे इसको अभी वाश करेंगे। इसको वाश करने का तरीका आप देख लीजिए, ये देखिए पेट्रोल जाते ही फिर थोड़ा साउंड मतलब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए इसके अंदर से एक साउंड हो रहा है, ये देखिए ये जो साउंड हो रहा है ना इसी साउंड के बारे में बोल रहा था, ये साउंड इसके अंदर से आना चाहिए, पूरा फ्री साउंड होना चाहिए। इसको अच्छा से आपको सफ़ा कर लेना है, अच्छा से धो करके पेट्रोल से वाश करके फिर इसको फिटिंग करेंगे, फिर मशीन जो आगे पीछे होना चालू हो जाएगा, जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है ये यहाँ से भी प्रॉब्लम होता है, वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन को ही उतार देते हैं, ट्रांसमिशन खोल देते हैं, जबकि ट्रांसमिशन खोलने का यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होता है नॉलेज के अभाव में गलत डिसीजन ले लेते हैं जितने भी हमारे ऑपरेटर या नए मिस्टर इंजीनियर मैकेनिक जो भी होते हैं, नॉलेज के अभाव में गलत डिसीजन लेकर के और ट्रांसमिशन को ही खोल देती है। देखिए अभी इससे पहले साउंड नहीं आ रहा था और अभी देखिए अभी कैसा साउंड आ रहा है, ठीक। तो ये साउंड आपको देख लेना, ये फ्री पूरा काम करना चाहिए, ठीक। अभी ये काम करेगा और कोशिश करेंगे हमेशा इसको पेट्रोल से ही वाश करने के लिए, और किरोसिन डीजल में तो उतना अच्छा सफा वाश होता नहीं है। ये इसके अंदर का स्प्रिंग है, और आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहे, मैं आपको इसका फिटिंग दिखाऊंगा फिर इसका टेस्टिंग दिखाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ फिर उसको भी आपको दिखाऊंगा, ठीक। ये जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो बने रहें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन नॉलेज लेना है तो थोड़ा वीडियो पे रहना ही पड़ेगा। बंद कर दिया। देखिए दोस्तों इसको पेट्रोल तो अपने वाश कर लिए और इसका फिटिंग देखिए, फिटिंग कैसे करते हैं, ठीक। ये जो बॉल पिन जो है ये पिन को सबसे अंदर पहले डालेंगे ये अंदर में, ये पिन डालने के बाद यह स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यहाँ बैठा देंगे और उसके बाद जो है वहाँ अंदर फिटिंग कर देते हैं। काटो, देखिए दोस्तों स्प्रिंग वगैरह सब लगाने के बाद इसको काफ़ी सावधानी से यहाँ पे ऐसे फिटिंग कर देना है। और अभी देखिएगा, अभी अपने जैसे ही सोलनाइट में सप्लाई देंगे, करंट सप्लाई जो जाएगा स्विच के थ्रू, जिससे अपना रिवर्स फॉरवर्ड स्विच जो है, तो उसके बाद देखिए यहाँ से कैसा साउंड क्रिएट होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये प्रॉब्लम पकड़ने में आपको सुविधा होगा, ठीक। पहले साउंड नहीं हो रहा था और अभी कैसा साउंड होगा वो साउंड को आप सुनिएगा। देखिए दोस्तों ये सोलनाइट कॉइल को अपने फिटिंग कर दिए और अभी आप वो साउंड को सुन सकते हैं, वो जो जिस साउंड को ये बारे में बात कर रहा था ये प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए। तो ऑपरेटर भाई थोड़ा वो फॉरवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड और रिवर्स न्यूट्रल कीजिए, और देखिए दो चार बार कीजिए, वो समझ में आएगा साउंड कैसा हो रहा है।
देखिए साउंड अभी आपको समझ में आ रहा है सर? ये देखिए कैसा साउंड इसके अंदर से अभी क्रिएट हो रहा है, आराम से खट खट का आप साउंड सुन सकते हैं। ठीक, और दो चार बार कीजिए, थोड़ा न्यूट्रल आगे, न्यूट्रल आके देखिए, ये साउंड अभी आपको समझ में आ, ये साउंड आपको समझ में आ रहा है साउंड कैसा अभी क्रिएट हो रहा है? पहले ये साउंड हो नहीं रहा था, ठीक, तो इससे साउंड नहीं हो रहा था, उससे अपने पकड़ लिए कि ये बल्ब अपना जाम है, बल्ब को सफा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके मशीन आगे पीछे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों वो सब सफा करके वो लगाने के बाद अभी देखते हैं अपना वो टायर घूम, मतलब गाड़ी चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो स्टार्ट कीजिए देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और अभी देखिए अपना वो कैसे आगे पीछे हो रहा है मशीन। ठीक, और जो सुनाइट बल्ब अपना जाम था वहाँ से पहुँचता, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।